आमनिर्मुक्तैत्येव सदिसित्यन्यमानजः प्रत्यक्षाभासजन्यत्वात् मुक्तित्वं प्रश्नमर्हसि। आमनिर्मुक्तैत्येव सदसित्ति अन्यमानजः, कहते मैं मुक्त हूं, तुम सत ही हो इत्यादि जो वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि अन्य मान में अन्य कौन है? श्रुति, श्रुति रूपी प्रमाण जो अज्ञानी के दृष्टिकोण से प्रत्यक्षादि प्रमाण उसका अपना है, खास प्रमाण है ना उसके, उसके लिए तो अन्य क्या हो जाएगा? श्रुति। अज्ञान के लिए बोल रहे हैं वो, मान लिया भाई अज्ञान मेरे पास कामना है क्रिया सब कुछ है, उसके लिए उसका प्रमाण क्या है? उसके पास अपना प्रमाण क्या होता है? प्रत्यक्षादि प्रमाण उसका अपना होता है। इसे उसके दृष्टिकोण से अन्य प्रमाण कौन हो गया? श्रुति। इसे अन्य मान जह अन्य हो गया श्रुति, मान में प्रमाण, श्रुति प्रमाण जन्य जो अहम उक्ता तुम सदसी इत्यादि जो ज्ञान होगा वह प्रत्यक्षाभास जन्यता दुखित्वम प्रश्नमर्हति। उसके लिए क्या है? उसके विपरीत प्रत्यक्षाभास जन्य होने से क्षिति प्रमाण से हुआ है, किंतु जो व्यक्ति को दुखित्व अनुभव हुआ वो कैसे हुआ? वह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण आभास उत्पन्न होता है, अतः दुखित्व के विषय में उसके द्वारा प्रश्न जो पूछा जा रहा है वह उचित ही है। प्रश्नमर्हति, ये श्रुति जन्य ज्ञान है उसमें प्रश्न योग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है? श्रुति जन्य जो ब्रह्मास्त्र जन्य ज्ञान है, क्या मुक्त क्या जो अनुभूति हो रही है उसको, उस विषय में प्रश्न तो किया नहीं जा सकता, किंतु प्रत्यक्षादि आभास का जो प्रमाण है जो अज्ञानी के पास पड़े हैं उनसे जन्य जो ज्ञान है दुखित्वादि अनित्यत्वादि परिच्छिन्नता इत्यादि इत्यादि अल्पशक्तिमान वगैरह उसके संबंध में ही प्रश्न पूछना उचित है। कि प्रमाण का स्वभाव तो अज्ञात ज्ञापन करना होता है, और आज तक जो आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं हुआ था, अज्ञात था, उसको स्वरूप क्या है करके वो ज्ञात करा दिया। इसे श्रुति ही एकमात्र वास्तव में प्रमाण है, बाकी प्रत्यक्ष जितने प्रमाण है ये अज्ञात ज्ञापन नहीं कर रहे हैं, ये तो मिथ्यार्थ ज्ञापन कर रहे हैं। इसीलिए जो है ये सब आभास ही है प्रत्यक्ष, इन आभासों से जन जो ज्ञान होता है उसका नतीजा दुखित्व ही होता है। अच्छा, इसको लेकर के जो ज्ञान उसको उत्पन्न हुआ है दुखित्वादि उसको लेकर प्रश्न पूछ रहा है, इसीलिए आपके मुताबिक आत्मा भी मैं हो यदि उसका स्वभाव जो आप बता रहे हैं इन मेरा जो प्रमाण जन ज्ञान आभास के अनुसार ज्ञान जो हो रहा है आभास प्रमाणों से वो दुखित्वादि है, अतः मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे हुआ क्या हुआ बताइए कैसे निकलना इससे इससे। पृष्ठम आकांक्षितम वाच्यम दुःखाभावम अभीप्सितम, इसे अभिलषित विषय का प्रश्न किया जाता है और अभिलषित विषय का ही विषय में उसका जवाब भी दिया जाता है, पूछा कुछ और जवाब कुछ और दे दिया, ऐसा ही होता। आजकल जो आते जेत रहे भी विषयांतर घुस जाए, सिद्धांत है नहीं, सिद्धांत ही है जो अभिलषित वस्तु है जिसके बारे में पूछा है उसके बारे में पूछना चाहिए, अन्य की बात नहीं पूछना। आप कहे अभिलषित क्या है? आप नित्य सुख नित्य आनंद निर्दुखित्व को चाहते और अपने आप वर्तमान में दुखी मान रहे हैं, इसलिए आपका कर्तव्य ये होता है मेरा अभिलषित है निर्दुखत्व, उस स्थिति को मैं कैसे प्राप्त कर पूछूं, और व्यक्ति को भी उसके बारे में ही बताना चाहिए वो प्राप्ति कैसे होगी, उसको जवाब देने वाले का कर्तव्य ही है। पृष्ठम आकांक्षितम वाच्यम, आकांक्षित वस्तु विषय के बारे में ही पूछा गया है और उसके बारे में इसे कहना भी चाहिए। महाराज आकांक्षित विषय क्या है? कहते दुख का भावम अभिक्षितम, सभी के द्वारा एक ही वस्तु आकांक्षित है, सब एक ही चीज चाहते हैं, क्या? हमें कभी दुख न हो, दुख कभी न मिले, यही हर व्यक्ति चाहता है, और हर व्यक्ति को फिर भी रोज दुख अनुभव होता है, अनेक प्रकार के है, पाठ में नींद आ गया तो भी दुख आएगा, बाद में तो नींद आ गई तो ये तो गड़बड़ हो गया, मन में मन ही मन लगता तो है आज पाठ में सो गया था नींद आ गई थी वो भी दुख है, दुख लाठी से मार दे या जो कोई गाली दे वही वो
भी है ही है, स्थूल है। ये सब सूक्ष्म रूप होते हैं सब। आदमी ध्यान में बैठता है, ध्यान नहीं होता है तो दुखी होता है। जब करने बैठता है नींद आवे तो दुखी होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो चीज है तो दुख का भाव ही सभी के द्वारा अभिप्सित वस्तु है। दुख का भाव अभिप्सित सबको एक ही है, वह है दुख का भाव और ब्रह्म प्राप्त करना है। और दुख का भाव क्या है? ब्रह्म ही है। दुख का भाव रूप कौन है? ब्रह्म के अलावा कोई दूसरे दुखा भाव रूप हो ही नहीं सकता। बाकी कुछ भी पकड़ोगे संसार में दुख रूप ही है। इसे दुखा भाव शब्द एक ही है ब्रह्म। अर्थात हमको दुख का दुख नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य आदमी का यही है, मैं ब्रह्म का अनुभव करना चाहता हूं। वो इन शब्दों से बोल नहीं रहा है, मैं दुख का भाव को चाहता हूं, इसका मतलब मैं ब्रह्म को चाहता हूं, ये अर्थ होता है। भाई आगे कहे कथम इदम निवर्तेत दुःखं सर्वात्मनः मम इति प्रश्नानुरूपं यद् वाच्यं दुःखनिवर्तकम्। कथम इदम निवर्तेत इदम दुःखं सर्वात्मनः इदम मम दुःखं सर्वात्मनः कथम निवर्तेत। ये जो मेरे अंदर मेरे पास है दुख, ये पूर्ण रूप से सब प्रकार से खत्म कैसे हो गया? मैं दोबारा आवे नहीं हमारे सामने दुख में, दुख हो ही ना किसी प्रकार, कैसे होगा बताइए? इति प्रश्नानुरूपम, इस प्रश्न के अनुरूप यद वाच्यम दुख निवर्तकम, जो वेवाच्य है जो कथन करना है वह वही बात बताना होगा जो दुख का निवर्तक। दुख निवर्तक क्या है उसके ही समझाना पड़ेगा। तुम कर्तृत्व को छोड़ दो, दुख निवर्तक हो जाए। और कुछ नहीं, तुम ही पकड़ रखे हो दुख को। कैसे पकड़ रखा हूं दुख को? मैं तो चाहता ही नहीं, मैं कहां पकड़ रखा हूं? अरे तुमने कर्तृत्व पकड़ रखा का मतलब ही दुखों को पकड़ रखा। जब तक कर्तृत्व अभिमान रहेगा तब तक तुम दुख से बच नहीं सकते। इसे कहते हैं उसके उपदेश देना पड़ेगा, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व जो तुम पकड़ रखा है इसको छोड़। अच्छा दुख निवृत्ति उपाय को बताना ही उचित है। और दुख निवृत्ति उपाय क्या है? एकमात्र ज्ञान ही है, कर्म नहीं है, ये उसको समझाना पड़ेगा। जितना भी कर्म कर लो उस संतरण शुद्ध होते रहेगा, लेकिन ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान देने का प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए श्रुति ने क्या कहा? आत्मवर दृष्टव इत्यादि कह दिया है। तुम कैसे पहुंचा? पहले निषेध कर दिया, संबंध जैसे कुछ जरूरत नहीं। किसके लिए कह रही थी? वो मुक्त पुरुष। और जो अभी दुखी है, मैं समझ रहा है सकाम है, सक्रिय आदि मान रहा है प्रयोग, उसके लिए श्रुते स्वात्मनिनाशंगा प्रामाण्ये सति विद्यते तस्माद् आत्मुक्तत्वम् प्रत्यायेति तद्वच वक्तव्यं तत्तात्म स्याद् विरोधे सति केनचित्। श्रुते स्वात्मनाशंका, भगवत श्रुति को अपने सुत प्रमाण पे कोई आशंका नहीं। वेद में किंचित अपि, वेद खुद को अपने बताए जा रहे पदार्थों के बारे में कोई आशंका नहीं। वेद भगवान को आशंका है क्या? श्रुति भगवती के मन में कोई आशंका आ सकती है कि जो मैं प्रतिपादन कर रही हूं गलत है या सही है कि क्या है? क्या कुछ मुझे पता है इन बच्चों के लिए क्या चाहिए, वो चीज वो बता रही है कैसे उसको मोक्ष मिले जाना है। उन्हें पता है ये एकदम घटिया से घटिया आदमी भी संसार में है, लेकिन वो भी दुख को नहीं चाहता। दुख को न चाहने वाले कौन है? घटिया से घटिया आदमी से लेकर के बढ़िया से बढ़िया साधक महात्मा तक भी सब दुख के अभाव को चाह रहे। तो सबके लिए साधना देनी थी, तो पंच मकार साधन से शुरू किया। मांस खा के जीने वाला है, दारू पीना चाहता है, ठीक है भाई तुम ले, इसी से शुरू कर दो अपनी साधना। उसको वहीं से शुरू कर दिया साधना, अघोरी साधना। फिर तंत्र में आए, बलि आदि में ऐसे नहीं खाऊंगा, भगवान को भोग लगा के खाऊंगा, देवी को भोग लगाने का ठीक है। फिर तंत्र शास्त्र में उसको कहा पशु बलि के द्वारा कर्म करो और अंतर शुद्ध बात नहीं, पशु बलि के बिना कर्म करो, विकल्प दिया।
जिसको मांस आदि पसंद नहीं है उसके मांस में एक चीज डालना, इसकी जगह एक चीज डालना, दर्द जगह एक चीज डालना, दर्द शब्द मांस के जगह पर कटहल समर्णन कर दिया, इसमें नहीं ले लो इसके बदले ले लो, तो वो सात्विक हो गया ना। फिर और आगे उपासना जोड़ लिए, फिर उसमें भी छोटे से लेकर बड़े तक देवताओं की सब की करते 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 आपको निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचा। श्रुते स्वात्मनि प्रामाण्य न आशंका विद्यते, प्रामाण्य के विषय में श्रुति को अपने आप पे कोई आशंका नहीं। तस्मात् आत्मभुक्तत्वं प्रत्यायति तद्वचः, अतः वह शब्दों के द्वारा आत्मा की मुक्तता का जो स्पष्ट बोध करा रही है तभी मानना चाहिए। महावाक्य श्रवणोत्तर काल में यदि हम पात्र हैं, तैयार हैं, फिर तो गुरु कहे चला सुना अनुभूति हो जाएगी, देर नहीं लगती। तैयार नहीं है समझ जाती है, चाहे जितने बार भी सुना लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मामला कच्चा है। तैयार है तो तत्काल हो जाए। इसे कहते हैं कि आत्मविद्युक्तत्व प्रत्यायति तद्वच, श्रुति ने जो वचन महावाक्य आदि किया है इस जीवात्मा को उसकी मुक्तता का ही बोध कराना चाहते हैं और कुछ नहीं। वक्तव्यम तत्थार्थम स्याद, इसलिए भगवत श्रुति सब जो परम आप तो जो है प्रापणीय वस्तु होता है, किसी प्रमाण के विरोध उसके साथ न हो, जैसे विरोध असत्य केनचिदपि किसी अन्य प्रमाण के साथ विरोध न हो, उसी प्रकार से बड़े प्रक्रिया बना करके बड़े अच्छी तरह से उस तत्व को का यथार्थ तत्व तथार्थ मन जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही वक्तव्यति मुक्त उच्चते, वह वक्तव्य है यह मान करके वह आत्मा को ही मुक्त करके बोध कराती है। प्रत्येक क्रिया के साथ जुड़े मैंने प्रमेय बोधन कराना ही प्रमाण का मुख्य कार्य है। वो भी प्रमाण उसका मुख्य लक्ष्य होता है स्वप्रमेय का अवबोध कराना, ज्ञान कराना, उतना ही उसका। इसलिए महावाक्यों का भी क्या स्थिति रहा, इसलिए वो भी शब्द प्रमाण है, वह भी अपने द्वारा जो बोधव्य है प्रमेय है या जो प्रमेय है उसका अनुभव कराना बोध कराना ये उनका भी लक्ष्य होगा। और जब उनका अर्थ क्या है, अभेद स्वयं प्रकाशत्व है कि नहीं, ये उसको बोध कराना है, एकत्व है ये बोध कराना है, उसको बोध करा के ही छोड़ेंगे, क्योंकि शब्द प्रमाण का काम यही है, प्रमाण का काम है प्रमेय का बोध कराना। अरे प्रमाण सुने हैं समझे हैं तो प्रमेय का बोध जरूर होगा, अरे आदर्शी प्रमेय है तादर्शी, यदि अनात्मा प्रमेय है तो आपको स्व भिन्नत्व न होगा, आत्मा प्रमेय है स्व अभिन्नत्व न होगा। इतो अन्यो अनुभव कश्चित आत्मनो नोपपद्यते अविज्ञातम विजानताम विज्ञाता रमित शुद्ध है, स्पष्ट श्रुति कहती है। इसलिए इसके अलावा अन्य कोई तरीके का अनुभव आत्मा के बारे में किसी को भी कभी भी नहीं हो सकता, यही अनुभूति होगी सभी को, चाहे किसी भी साधन मार्ग से आई या आत्मा के अनुभूति में कोई अंतर नहीं करे। रास्ते का अनुभूति अलग अलग हो सकता है, कोई आप एक्सप्रेस वे में आ रहा है, कोई गलियों में शॉर्टकट इधर उधर से ऐसा नहीं देना पड़ेगा, भैया कोई देखा है वो टोल गेट क्या बोलते हैं, टोल गेट बोलते हैं ना, आता है टोल प्लाजा, आवाज देना ना पड़े वो कच्चा रास्ता चल जाएगा, वो उधर से घूम घाम करके उधर से निकल किसी गांव के माध्यम से, उसका अनुभव तो अलग होगा, कच्चा रास्ते से जा रहा है और जरा झंझट कर रहा है, आवाज या पैसा देकर कट निकल जाता है, अंतर है एक पहुंचे हैं दोनों अपने अपने जो लक्ष्य में, क्या देर से पहले पहले पहुंचे जैसे पहुंचे। सर रास्ते की अनुभूति अलग अलग भले ही हो सकती है, साधना में भी अनेक अलग अलग प्रक्रिया अलग अलग साधना है, उस रास्ते का अनुभव अलग अलग होगा, लेकिन जो लक्ष्य जो आत्मा है वो एक रूप ही है, इसका अनुभव भी एक ही होगा, अनेक नहीं हो सकता। कभी तो मैंने आत्मा को ऐसा अनुभव किया मुझे आत्मा ऐसा लगता है, कभी तो मुझे आत्मा वैसा लगता है, तो फिर वो आत्मा का अनुभव भी नहीं किया,
एक ही अनुभव है, आनंद रूप है, वो सच्चिदानंद रूप है, यही उसका अनुभव हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। इतो अन्यो अनुभव कश्चित, इससे अलग कोई और अनुभव यदि कोई कहे आत्मनो नोपपद्यते, इस आत्मा के विषय में कोई और उत्पन्न नहीं हो सकता। श्रुति कह रही इसलिए अविज्ञात विज्ञान विजानता, विज्ञातम अविजानता, विज्ञात केर जानिया इत्यादि शब्द है, इति श्रुति स्पष्ट प्रमाण बता रहे हैं। तम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणां साधरत्वं व्रजत्येवं शान्तोदान्तानुशासनाः। वैसा जो एक द्वितीय आत्मा का अनुभव हमें कैसे हो गए, तो उसके लिए ही, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही तम पदार्थ विवेक करने के लिए संन्यास कहा गया। बिना संन्यास तम पदार्थ विवेक आसान नहीं है, क्योंकि हमता ममता घुसा रहता है, जितना भी कर लो, गृहस्थी लाख किलोमीटर दूर बैठेगा तो भी घर का याद नहीं करो, भूल कैसे जाएगा, चाहे जितना भी दूर बैठा लो। घर पर आजकल तो मोबाइल तो दूर है ही नहीं, कोई नजदीक ही है, सब सामने में ही, व्हाट्सएप पर क्या क्या गुजरे को सामने बैठे बातें कर लेते। इसे बिना संन्यास का ये होता नहीं, क्या विधिक मात्र से नहीं हुआ, आंतरिक रूप से संन्यास होना चाहिए। विधि पालन करके भी गृहस्थी अपने भाई बंधु को लाके आश्रम में रख ले रहे, रिश्तेदार को भर दिया, कहा छूटा, तो धर्म का पैसेंस और भ्रष्ट कर दिया, लोगों ने तो दान पुण्य किया है आश्रम को, सही अंदर से संन्यास वास्तव में नहीं था, इसलिए वो वापस गृहस्थी में चला एक तरह से। इसलिए कहते हैं कि भाई तुम पदार्थ विवेक आया संन्यास सर्वकर्मणां, सर्वकर्म का संन्यास का विधान किया है, एवं साधनत्वं भजति, सर्वकर्मणां संन्यास साधनत्वं भजति, सकल कर्मों का संन्यास भी साधन कोटि में आ जाता है। एवं इतना ही नहीं, शांतो दंत प्रसिद्धि इत्यादि अनुशासन श्रुति ने भी कहा है, इसलिए केवल संन्यास नहीं, केवल विधि कर लिया, चोला पहन लिया, इतना ही नहीं, जो कहा है सब करना पड़ेगा, यह नियम पालन कीजिए, आसन प्रणायाम कीजिए, जो भी है योग करो, सब कुछ करना पड़ेगा, जब तक आपके अंदर सकारात्मक सक्रियता है तब तक करना। शांतो दंत प्रसिद्ध हो समाहित भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, कहीं समाहित तो भूत्वा है, कहीं श्रद्धा तो भूत्वा पश्येत, ऐसे पाठ करते कि तम पद के अर्थ का विवेक करने के लिए ही समस्त कर्मों का त्याग या साधन जो है बताया गया है श्रुतियों में, और कर्म त्याग करने में से भी साथ साथ आपको क्या करना है, शांत रहना है, दांत रहना है, मैंने कर्मेंद्रियों का शमन करो, ज्ञानेंद्रियों का भी शमन करो, ऊपर आता हो शमन करके मनोराज्य में ही चलाना, कहीं पर बैठे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं मेरा आश्रम बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है, इतना महल बन गया, इतना बड़ा सत्संग हॉल बना रहा हूँ, मंदिर बना रहा हूँ, ये हो रहा हो रहा, बैठे 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 सोचता रहता है, मन का लड्डू खाते रहता है, क्या फायदा है। ऊपर आता और शिक्षा यथासंभव ठंडी गर्मी खान पीन का भूख प्यास ये सब सहन करना जितनी हो सके, समाहित हो और चित्त एकाग्र भूत्वा आत्मनेव आत्मानं पश्यति, वो अपने में अपने आप को अनुभव करता है। ये जो श्रुतियों के आधार पर उसको सब करना पड़ता है। तमर्थम प्रत्येगात्मानं पश्येद आत्मानं आत्मनि वाक्यार्थं तथा आत्मानं सर्वं पश्यति केवलम्। इसे समझमाज साधन संपत्ति संपन्न हुआ जो पुरुष पत्तम पद्यर्थ उत्तम अर्थम, क्या है पत्तम अर्थम, प्रत्येक आत्मानम, जो प्रत्येक आत्मा है उसको, उस आत्मानम आत्मनि पश्येत, उसको अपने आत्मनि माने अंतकरण, सब भी आत्मिक अर्थ है, उसे अपने अंतकरण में ही देखने का अभ्यास करता रहे, तो क्या होगा, तो धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करने से कालांतर में वह सर्वत्र सभी को वाक्यार्थ शुद्ध आत्मरूप में अनुभव करता है, सर्वम केवलम आत्मानमेव पश्यति, सारा संसार को केवल आत्मरूप से देखता है, क्यों,
वाक्यार्थम, कि जिस वाक्यार्थ को पहले बीज रूपेण बोया हुआ है और उत्तर काल में सब अभ्यास करने के नतीजा वह तस्मा सर्वम भगवत का अनुभव करने लगता है। शिवम इदम सर्वम वही शिव ओम वही, ये सब कुछ रूप में विद्यमान प्रत्यमान संपूर्ण जगत मुझसे अभिन्न, ये उसके अनुभूत व्यवहार करेंगे। बहुत पूर्व व्यवहार चलते हैं और लीला चलती रही, लेकिन उसके अंदर अतएव इसके कारण से क्या होता है, सुख दुख का कुछ भी नहीं, प्राप्ति अप्राप्ति का कोई अंतर नहीं पड़ता, सुख दुख सभी कृत्वा लाभा लाभ जय जीवित जो का है वो उसमें अंदर आ जाता है। सर्वम आत्मेति वाक्यार्थे विज्ञातस्य प्रमाणतः असत्य ह्यन्यमानस्य विदिष्टं योजयेत् कथम। अब श्रुति प्रमाण को सुख प्रमाण मान लेना, पहले अन्य प्रमाण कौन हो गया तो श्रुति था, वो प्रत्यक्षाभास है, कोई मुख्य प्रमाण पकड़ रखा। जब इस रास्ते से चल पड़ा तो उसे पता चला ये प्रत्यक्ष आदि आभास है, ये अन्य प्रमाण है, ये क्या है अन्य प्रमाण है, ये आभास है। असली प्रमाण कौन है, श्रुति ही असली प्रमाण है। और श्रुति क्या है, उसने क्या देना वाक्यार्थे सर्वात्मा इति विज्ञाते, वाक्यार्थानुभूति पश्चात जो कुछ भी उसे दिखाई दे वह अभी आपको रूपण ही दिखता है, विशिष्ट रूपण कुछ भी अनुभव में नहीं आता। सर्वम आत्मा जी वाक्यार्थे विज्ञाते अस्य प्रमाणतः, श्रुति रूपी प्रमाण से, श्रुति रूपी प्रमाण से यह अनुभव नहीं पड़ जाता है। अन्य मान से असत्वे, अब तक जो अन्य प्रमाण को सत्य मान रहा था, अन्य जितने भी मान है अब वो सब हो जाएंगे असत्व, अभाव रूप को प्राप्त कर जाएंगे। विदिष्टम योजयेत् कथम, बताओ अन्य प्रमाण आदि जो विधियां है उसको कर्म में कैसे लगाएंगे। जब स्थिति में पहुंच गया, अब जो विधियां है जो अन्य प्रमाण के विषय है, क्रिया आदि प्रधान क्रिया सापेक्ष है, वो उसको कैसे लगा सकते हैं, जब सर्वम आत्मा ही हो गया, अर्थात दोबारा कर्म प्रवृत्त नहीं हो सकता। तस्मात् वाक्यात् विज्ञानात् नोदम कर्म विधिर् भवेत् नहि ब्रह्मास्मि कर्तेति विरुद्धे भवतो धियो। तस्मात् वाक्यार्थ विज्ञानात् पूर्वं वाक्यार्थ अनुभूति होने के पश्चात कर्म विधि न भवेत्, कर्म विधि उस पर लागू नहीं हो सकता किसी प्रकार का भी, क्योंकि ब्रह्मास्मि और कर्ता ये दोनों विरुद्धे नहीं भवतो धियो, विरुद्धे धियो ये दोनों के दोनों परस्पर विरोधी बुद्धि में प्रति नहीं हो सकता। यदि ब्रह्मास्मि है तो अहम कर्ता नहीं होगा, अहम कर्ता है तो ब्रह्मास्मि, दो में से एक ही को लेकर के बुद्धि कर चल सकती है, क्यों दोनों परस्पर विरुद्ध है, इन्हीं एक निष्क्रिय है तो दूसरा सक्रिय है, बुद्धि या तो सक्रियता को ग्रहण की गई या तो निष्क्रियता, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, तिष्ठन धावती कैसे होगा, बैठा भी तोड़ दिया है। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी इन्होंने कह दिया ब्रह्मास्मि तु विद्येयम्, देखो विद्या और विद्या बता रहे हैं, ब्रह्मास्मि तु च विद्येयम् नैव कर्ते कि बाध्यते सकाम बद्धित्येवम् प्रमाणाभास जातया। ब्रह्मास्मि एक अनुभूति है, इसी के नाम विद्या है, यह विद्या, यह विद्या प्राप्ति हुई, नैव कर्ता इति बात, अरे ज्ञान होते क्या हो जाएगा, मैं कर्ता नहीं हूं, अब तो जो कर्तृत्व था वो बंद, मैं ब्रह्म इस ज्ञान को ही विद्या कहते हैं, और इसका बाद यदि आप कहोगे नहीं हम प्रत्यय कर्तृत्व को इसको बात दोगे ना, अहम कर्ता इति बुद्धि से अब्रह्मा से बुद्धि का बाद नहीं होता, एक बार अहम ब्रह्मा से बुद्धि हो गई कि दो बार अगर अहम कर्ता ज्ञान नहीं हो सकता, पहले कर्ता इति नहीं वह यह विद्या बाध्यते हैं, अहम कर्ता ये जो अगर आ जाए वह जो है यह जो अहम ब्रह्मा से विद्या थी इसको बाध नहीं कर सकती, क्या अहम कर्ता क्या है अविद्या है, विद्या अविद्या को बाधती है, अविद्या को विद्या को बाध नहीं सकती, क्योंकि अविद्या को कोई अस्तित्व ही नहीं है,
अविद्या क्या है? ब्रह्मास्मि, ये विद्या है, वही अस्थि रूप है, उसकी तो अस्तित्व है। इसलिए अस्तित्व वाली जो ब्रह्म विद्या है हम ब्रह्मास्मि, यही अस्तित्व हीन जो अहंकर्त इत्यादि विद्या उसको नाश करते। इसलिए सकामो बद्ध इत्येवं प्रमाणाभास जातया, इसे मैं करता हूं, मैं सकाम हूं, मैं बद्ध हूं, ये सब क्या जो बड़ा बुद्धि है, ये प्रमाणाभास उत्पन्न होने के कारण से इसी का नाम अविद्या है, यह अविद्या। और यह अविद्या विद्या को बाध नहीं कर सकती, नियंत्रण कर दिया। ब्रह्मास्मि से विद्या ही हो, अविद्या क्या है? अहम करता, सकाम हो, बद्ध इत्येवं, यह विद्या। यह विद्या उसको यम को नहीं बाध्यते, क्यों? क्योंकि प्रमाणाभास जातया, क्योंकि सारे जो ज्ञान हमें हो रहे हैं ये सब कैसे हैं? प्रमाणाभास जन्य, प्रमाणाभास जन्य होने के नाते अहम कर्ता सकाम इत्यादि जो सक्रिय इत्यादि बोध हो रहा है वो अविद्यात्मिका है, विद्या है। वह जो है अब्रह्मास्मि विद्या रूपी सत्य वस्तु का बाध नहीं कर सकता। शास्त्रात् ब्रह्मास्मि नान्योह मिति बुद्धि भवे दृढ़ा यदा युक्ता तदैव धीर यथा देहात्मधीरिति। अरे शास्त्र प्रमाण से मुमुक्ष को क्या कहना हो गया? मैं ब्रह्म हूं, नान्योहम, मैं अन्य कुछ भी नहीं हूं, ऐसे बुद्धि दृढ़ा भवे, दृढ़ बुद्धि हो जाती है यदा, जब ऐसी बुद्धि हो जाए, फिर दोबारा तदा एवं धीर न युक्ता, फिर दोबारा शरीर ज्ञान होगा क्या? इसे यथा पहले देहात्मधि थी, दृढ़ थी पहले, अब शास्त्र प्रमाण से क्या हुआ? ब्रह्मास्मि यह दृढ़ बुद्धि पद हो गई, और बुद्धि क्या हो जाएगी? अपने आप नष्ट हो जाएगी। एवं धीर यथा युक्ता तदा एवं दी, यदा ऐसा होगा तदा युक्ता एवं दी, यथा दृष्टांत दिया जैसे अज्ञानकारी नाम का देहात बुद्धि दृष्टांत दिया, यथा देहात धीरिति, मैंने उसे देहात बुद्धि दोबारा नहीं होती है, उसी तरह मैं करता हूं, मैं बोलता हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं सकाम हूं, सक्रिय इत्यादि ज्ञान में उसे नहीं होगा। इसलिए अज्ञान काल में जिस प्रकार की दृढ़ बुद्धि थी शरीर में आत्मबुद्धि, अब मैं ब्रह्म हूं ये बुद्धि होगा, मैं अन्य कुछ भी नहीं जो दृढ़ है, ये शास्त्र प्रमाण जन्य होने से ये दृढ़ ज्यादा हो गई। भले ही अनादि काल से जैसा वो लग रहा वो दृढ़ है, ये वास्तव में दृढ़ नहीं है, क्योंकि प्रमाणाभास जन्य से अविद्या तक होने के कारण से वो दृढ़ नहीं है, और दृढ़ता भी उसमें आभास मात्र, दृढ़ाभास, वास्तव में उसे दृढ़ता नहीं है। वास्तविक दृढ़ता किसमें है? ब्रह्मास्मि, कि यही नित्य है, इसी यही दृढ़ वस्तु है, बाकी कोई भी वस्तु दृढ़ नहीं हो सकता, दृढ़ ही होगा। उसमें दृढ़ता की भ्रांति हो गई थी, देह में आत्मबुद्धि में जो दृढ़ता थी वह भ्रांति ही थी, अब कुछ नहीं। अतः उस दृढ़ता की भ्रांति में निवृत्त करके वास्तविक दृढ़ता आ गई। अब क्या ब्रह्मास्मि ज्ञान के उदय होने से इसका तात्पर्य है? सभयाद अभयम् प्राप्तस् तदर्थं निर्देशयः स पुनः सभयं गन्तुं स्वतन्त्रश्चन्न इच्छति। किसी व्यक्ति को सभय स्थान से हटा करके अभय स्थान को प्राप्त करा दिया, तदर्थं यतेच यः, कि अभय के प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न किया था, बहुत चाहता था मैं अभय स्थिति में पहुंचूं, अभय स्थिति में पहुंचूं, अब किसी प्रकार से गुरु ईश्वर आदि शास्त्र कृपा से पहुंच भी जाए, इतना मेहनत करके आगे पहुंचा, कर्म उपासना गुरु सेवा आदि करके, फिर के दोबारा भय में जाना चाहेगा? सब पुनः सभय गंतुम स्वतंत्र चेतपि न इच्छे, स्वतंत्र होता भी और दोबारा वहां जाना नहीं चाहे। एक बार व्यक्ति सच्चा सन्यासी हो जाए, सच्चा सन्यासी हो जाए, वास्तविक वैराग्य से जग जाए, कार्य का तात्पर्य वास्तविक एक जग जाए, दोबारा कभी संसार को जाए दौड़ नहीं जाए, कभी किसके नहीं जाए, कोई संबंध नहीं है, विशुद्ध तप प्राण पर जिए शरीर जी रहता प्राप्त, किससे कोई लेना देना नहीं, कोई समझ नहीं,
એવો સ્થિતિ આને કે દૃઢ બુદ્ધિ હોય છે, દૃઢ અમરમાં દૃઢ હોય છે ને, અમરમાં સુ તમે હો ઇસલે કહેતે કે સભયાત અભયમ પ્રાપ્ત, કે સંસાર કે સભય થા ભયયુક્ત ભય ભરા હૈ, ઓર એસે ભયમય સંસાર સે નિકલ કે અભય કો પ્રાપ્ત કિયા, એસે નહીં પ્રાપ્ત કિયા આસાની સે, તદર્થમ યતતે ચિયા, ઉસકે લિયે પહેલે બહોત યત્ન કિયા स तवा व्यक्ति पुनः सभय गंतुम इच्छति, क्या व्यक्ति दोबारा स्वतंत्र चित्तपि स्वतंत्र होते हुए भी क्या दोबारा भय की ओर जाना चाहेगा? नहीं, कभी नहीं चाहेगा। वो सोचे किसी से पिंड तो छूट गया, अब दोबारा क्या कुछ करना पड़े, इन लोग यही कर रहे हैं यहाँ पर, घर द्वार तो छोड़ छाड़ के आते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, है ना, सब भय से निकल के अभय में आए, अभय को जानने के फिर सब भय में चले, फिर महात्मा के घर बनना के चक्कर कराते, कहीं कुछ पद मिल जाए, या तो चक्कर छोड़ चाहे भी दे रहे करम ताहे भी दे रही हो, क्या कुछ चक्कर पड़ रहा, तो हमें स्वतंत्र कुटिया हो, हाँ मुश्किल होता है। इसे कहते हैं कि बात में तो बड़े वहां खेती बच्चे सुन पूरा समाप्त होता है, बहुत वर्ष क्या हुआ, अचानक चला गया, खत्म चला गया, कुछ पता थोड़ा चलता है, उसे लगा वो एक ये मोहमाय जाल में फंस गया, कैसे निकलेगा, और जा भी जाओ है एक और मोहमाय में खड़ा हो जाएगा, तो शरीर ही नहीं रख रहा है, यदि विवेक पूर्वक किया है और चिंतन किया है, वेदांत सुना हुआ सब कुछ है, शास्त्र छूट भी देता है, जब लगो तुम्हें ये शरीर जो है अब अद्भुत चिंतन के साथ के लायक नहीं रहा, मोहमाय में फंस रहा है, बीमार आदि पड़ रहा है, अक्षम है स्वर्ग चिंतन करने में स्वाध्याय में, तो छोड़ सकता है, शुद्धि का सिद्धांत है। इसलिए कहते हैं कोई भी व्यक्ति वापस भय में नहीं जाना चाहता है, भले उसको पूरी स्वतंत्रता हो तब भी वो नहीं जाएगा। यथेष्ट आचरण प्राप्ति संन्यास आदि विधो कुतः प्रदात अज्ञान बुद्धस्य वाक्यार्थानुभवार्थिनः, जो व्यक्ति यथेष्ट आचरण प्राप्ति, यथेष्ट आचरण की प्राप्ति कुत संन्यास आदि में दो, जहां संन्यास आदि का विधि है मुमुक्षु के लिए, उसके लिए यथेष्ट प्राप्ति यथेष्ट आचरण की प्राप्ति कैसे हो सकती है? नहीं, नहीं हो सकती। इस विषय में भगवद्गीता में है दो श्लोक नीचे टिप्पणी का नंबर दर 419, यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता क्या नावि दंत कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, जिसके काम और संकल्प रहित है सकल कर्म और ज्ञान अग्नि से उसका कर्म दग्ध है, वो कोई फल नहीं दे सकता, ऐसे व्यक्ति के अंदर यथेष्ट आचरण कैसे हो जाएगा, फिर कोई काम नहीं कोई संकल्प नहीं, यथेष्ट आचरण कैसे कर देगा। और प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडवः न द्वेष्टि न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, इंद्रिय प्रवृत्त हो गए तो द्वेष नहीं करता, इंद्रिय निवृत्त हो गए ऐसी आकांक्षा भी नहीं करता, इन सब से रहे तो न कुर्वन न खाने स्थिति में हो जाए, न कर रहा हो न करा रहा, इंद्रिय जा रहे तो ठीक है, नहीं जा रहे तो ठीक है, उसके बराबर ऐसा हो जाएगा वो, कौन जो वाक्यार्थ अनुभवार्थिना पदार्थ ज्ञान बुद्धस्य, जो कैसा है कि तत्व और तत्व पदों के अर्थ सम्यक विचार करके जिस मोक्ष को बोध हुआ है, यहां पर मुझे अज्ञान से नहीं होना चाहिए, पदार्थ ज्ञान बुद्धस्य होना चाहिए, काम अनुसार मानना पड़ेगा, गौरव काम सोचना पड़ेगा, तो जो समय प्रकार लेनी पड़े असमता तुम रूपेण अच्छी तरह से जिसने तत्व और तम पदों के अर्थ का सम्यक विचार करके सम्यक विचार करके स्पष्ट रूपेण अनुभव कर ले ज्ञान प्राप्त कर ले मोक्ष, उस मोक्ष को बोध ज्ञान हुआ है, और जो महावाक्य का अनुभव करना चाहता है दोनों को मुक्त को और मोक्ष को, उनके लिए तो संन्यास आदि का विधान किया गया है, ऐसी स्थिति में उनका यथेष्ट आचरण की संभावना समाप्त हो जाती है। अतः सर्वमिदं सिद्धं
यत् प्राग स्माभिरीरितम्। समाप्त कर देते तो उसी प्रकार अपनी ओर से। इस प्रकार से जो कुछ पूर्व में कहा गया है अभी तक पिछले 230 श्लोकों में वह सब कुछ प्राग सवरीतम तत् सर्वमिदम सिद्धम, वो सारी बात निर्दोष सिद्ध हो गया। यो ही यस्मा विरक्त नासो तस्मै प्रवर्तते लोकत्रया विरक्तता मोक्षु किमिति हते। दुनिया में ही देखा गया जो व्यक्ति जिस वस्तु से विरक्त हो जाए उसे पाने के लिए दोबारा प्रवृत्त नहीं, और जब मुमुक्षु तीनों लोगों से विरक्त हो गया है यशनात्रे को त्याग दिया वो किसी की चीज से प्रवृत्त हो सकता, जब मुमुक्षु ही प्रवृत्त नहीं हो सकता है तो मुक्त कहां से प्रवृत्त होगा। लगा दीजिए यो ही यशमान विरक्त जो व्यक्ति जिस वस्तु से विरक्त हो जाए चाहे बीमार के कारण से जैसे हमें डायबिटीज के कारण से मिठाई से व्यक्ति दो पैर उसके लिए भागेगा क्या नहीं भागेगा, उसे विरक्त हो गया तो उसको नहीं चाहेगा। से यो यशमान विरक्त स्यात् न सौ वह व्यक्ति तस्मय उसे पाने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता न प्रवृत्त होता है। जब एक लोक सामान्य नियम है तो लोक त्रयाप्त कौन मोक्ष, ये मोक्ष जब लोक त्रय से ही विरक्त हो चुका है किमिति हते, अब बताओ कौन से प्रयोजन लेकर कर्म करेगा प्रवृत्त होगा। जैसे कुछ भी नहीं चाहिए उसके लिए बताओ क्या प्रयत्न करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। क्षुदया पीड्यमानोपि न विषम हर्तुम इच्छति मृष्टान्न द्वस्तृप्जानन् नामूढस्तज्जिघत्सति। सुंदर दृष्टांत दे रहे, ये भूखा आदमी है भूख से पीड़ित है तो भी उसे कहो जहर खाकर बच लो तेरा भूख मिटा जाएगा खायलो। भूख से पीड़ित होने पर भी जैसा जहर तो कोई खाना नहीं चाहता ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति मिठाई वगैरह मालपुड़ा खा पी के पूरी सब्जी बढ़िया छक्कर के मस्त हो रखा है और उसको बहुत जहर खा ले तो खाएगा। मिष्टान्न ध्वस्त त्रुद मिठाई आदि खा करके जिसका भूख मिट चुका है और नामूढ़ तज्जिघत सती जो अमूढ़ है जो मूढ़ नहीं है, मूढ़ तो खा भी ले क्या पता, पागल तो खा भी ले जहर को उसे क्या मालूम, इसे कहते हैं अमूढ़ यदि है उसको खाने की इच्छा नहीं कर सकता जहर खाने से मैंने दोबारा उसे ग्रहण नहीं करेगा। जानते विरोधी दुख रूप है इसे जहां जो एक बार आत्मा का अनुभव कर लिया परमान की प्राप्ति हो गई इसे दोनों ले रहे हैं पहले जो भूख है जिसको उसको भी ले लिया और खाए को ले लिया। भूख जिसको है का मतलब ये मुमुक्षु जब खा पी के बेटा का दृष्टांत दिए मुक्ति, जब मुमुक्षु भी सांसारिक से किसी पदार्थ की अभिलाषा नहीं कर सकता जो आनंद रूपता वो प्राप्त मुक्त पुरुष वो किसी को अभिलाषा करते हुए प्रवृत्त कैसे हो सकता है नहीं हो सकता। अतएव तत्वसी आदि महावाक्यों के द्वारा जो व्यक्ति एक बार अपने स्वरूप का अनुभव कर ले हम ब्रह्मास्मि करके या हम सदस्य या तुम सदस्य इत्यादि का अनुभव कर लेता है वह व्यक्ति दोबारा किसी प्रकार की प्रवृत्ति या निवृत्ति कुछ भी उसके अंदर होता नहीं है ये सिद्ध हो गया। अब जिस गुरु कृपा से सब कुछ उन्हें प्राप्त किए हैं उसे दोबारा नमस्कार करते हुए इस प्रकरण को पूरा कर रहे हैं। वेदांत वाक्य पुष्पे ज्ञानामृत मधुत्तम तस्मै सद्गुरवे नमः। वेदांत वाक्य भी पुष्पों से ज्ञानामृत रूप मधु शहद जो अली के समान मधुमक्खी के समान अली बने मधुमक्खी जो पुष्पों से मधु निकालता है और छत्ते में डाल के मधु तैयार करता है आपके लिए वो खाता थोड़ा आप खाते हो। वैसे वेदांत वाक्य के पुष्पों से निकाला मधु को क्या है वो मधु ज्ञान की मधु कौन निकाला
कहते गुरु ने निकाला। कैसे? अलिबद्ध योगुचहार, अलि मने आपके मधुमक्खियों के समान जो हमें निकाल करके दिया है। तस्मै सद्गुरवे नमः, हम लोगों को जो देने वाले उन सद्गुरु के लिए हमारा नमस्कार है, प्रणाम है। इस प्रकार से ये 18वां तत्त्वमसि प्रकरण पूरा हो जाता है।